सो हेलो एवरीवान दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ये लेकर डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम्हें सेमेस्टर टू का प्रिपरेशन करना है फॉर योर केमिस्ट्री तो देखो केमेस्ट्री में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स तुम्हारा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है और सारा चैप्टर्स से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि तुम्हें गो थ्रू करना है पहले वो सारा टॉपिक्स को कम्प्लीट करना है उसके बाद बाकी सारा पोर्शन को तुम्हें कवर करना है तो जिस तरह से मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें उस तरह से फॉलो करना है केमेस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फॉर योर सेमेस्टर टू तो देखो यहाँ पर सेमेस्टर टू का सबसे पहले कौन सा चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है चैप्टर्स एवरी चैप्टर ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट वाई ईच एंड एवरी चैप्टर बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली जो कि एमसी क्यूज आने वाला है स्टार्टिंग में वो सारा चैप्टर्स से आएगा प्लस इसके साथ साथ जो कि थ्योरी क्वेश्चन रहेगा ऑल दो तुम्हें यहाँ पर एनी थ्री करना पड़ेगा जो कि तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां से तुम्हें एनी थ्री करना है लेकिन इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स सपोज क्वेश्चन वन में एम सी क्यू है उसके बाद क्वेश्चन टू से स्टार्ट है तुम्हारा थ्योरी uh, तो बुक से यानी कि क्वेश्चन तो अगर क्वेश्चन टू है तुम्हारा क्वेश्चन टू में अगर सपोज सब डिविजन है मतलब कि सब क्वेश्चन है अगर फाइव क्वेश्चन है तुम्हारा सेक्शन क्वेश्चन टू में सेक्शन बी में तो यहाँ पर जो फाइव क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर सारे चैप्टर से इंडिविजुअली uh, तो आने वाला नहीं है जस्ट लाइक योर जोग्राफी तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें सारा चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है अगर तुम्हें केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो फोर्टी मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा और यहाँ पर लेट्स डिस्कस द पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दिस टाइम राइट तो मैक्सिमम यहाँ पर सब्जेक्टिव रहेगा थर्टी मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा सेक्शन बी में मोस्टली और यहाँ पर टेन मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यूज आने वाला है सेक्शन ए विल बी एम सी क्यू बेस्ड तो टेन मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यूज रहेगा एंड इट इज कम्पल्सरी कि तुम्हें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा एमसीक्यूज से यानी कि सेक्शन ए से यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन बाकी तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि तुम्हारा सेक्शन बी का पार्ट जो कि थर्टी मार्क्स का आएगा इसमें से तुम्हें एनी थ्री क्वेश्चन करना पड़ेगा देर विल बी चॉइस इन सेक्शन बी बट इन सेक्शन ए देर इज नो चॉइस यू नीड टू डू एवरीथिंग वेल नाउ लेट्स डिस्कस विद सिलेबस तो देखो यहां पर सिलेबस में टोटल इस बार तुम्हारा सिक्स चैप्टर्स आने वाला है देर विल बी सिक्स चैप्टर्स चैप्टर्स वॉट आर दो सिक्स चैप्टर्स फॉर योर केमिस्ट्री देखो पहला चैप्टर यहां पर तुम्हारा मेटलर्जी है फर्स्ट चैप्टर इज मेटलर्जी सेकेंड चैप्टर इज हाइड्रोजन क्लोराइड देन यू हैव अमोनिया चैप्टर देन फोर्थ वन इज नाइट्रिक एसिड फिफ्थ वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिकली तुम्हारा ये सिक्स चैप्टर इंक्लूडेड है सेमेस्टर टू का सिलेबस के अंदर अब देखो प्रिपरेशन ईच एंड एवरी चैप्टर का प्रिपरेशन तुम्हें कैसे करना है सबसे पहले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये सारा चैप्टर्स आ रहा है अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हें ऑफिशियल स्पेसमेंट पेपर जो कि तुम्हारा सैम्पल पेपर ऑफिशियल काउंसिल वाला जो रिलीज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे तुम्हें गो थ्रू करना है ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता लगे कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आने वाला है किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है क्या पैटर्न फॉलो हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हें ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ हियर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू अ बुक फॉर योर केमिस्ट्री फॉर योर प्रिपरेशन फॉर सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जाम्स सो दिस इज द एजुका्ट आई सी एस सी क्लास टेन फाइनल गाइड बुक सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जामिनेशन ना ये वाला बुक मैं तुम्हें क्यों रिकमेंड कर रही हूँ देखो इस बुक का दो वॉल्यूम है वॉल्यूम टू ना दिस वन इज वॉल्यूम टू विच कवर्स पर्टिकुलरली फोर सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स ना इस बुक का तुम इंडेक्स यहां पर देख सकते हो दिस इज द इंडेक्स यहां पर मैथमेटिक्स है और बाकी तुम सारा कंटेंट देख सकते हो इंडेक्स में सारा कुछ दिया हुआ है नाउ इस बुक में बेसिकली जो कि तुम्हारा सेमेस्टर टू का पैटर्न है दैट इज सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव उसका क्वेश्चंस दिया हुआ है और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है फॉर क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दी चैप्टर्स इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें एग्जामिनर्स पॉइंट मिलेगा एग्जामिन इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्राम द लास्ट फाइव ईयर सो दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ टॉपिक्स फॉर योर प्रिपरेशन और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें सॉफ्ट सैम्पल पेपर्स मिलेगा पर्टिकुलरली इन दिस बुक देर आर फाइव सैम्पल पेपर्स सॉफ्ट सैम्पल पेपर्स विच इज़ प्रोवाइडेड एंड इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी मिलेगा ताकि तुम अपना प्रिपरेशन चेक कर सको फॉर योर सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जामिनेशन सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक लिंक इस बुक का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट वेल well, सो so मैंने तुम्हें बुक्स रेकमेंड कर दिया अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है देखो सारा ही ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हें वो सारा टॉपिक्स कंप्लीट करना है जिसका कि ज्यादातर चांस होगा कि तुम्हारा जो कि सेमेस्टर टू है उसमें से वहाँ से वो टॉपिक से क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेटेलर्जी चैप्टर है तो मेटेलर्जी से तुम्हें डेफिनेटली पूरा कंप्लीट यूनिट तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है लेकिन सबसे पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना है तो सबसे पहले तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेटेलर्जी बिसाइड्स दिस यहाँ पर जो भी टर्म्स है डेफिनेशन है यू नीड टू गो थ्रू ऑल द टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसके साथ साथ यहाँ पर केमिकल नेम इज़ रियली इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा केमिकल नेम दिया हुआ है केमिकल नेम ऑफ ओर्स लाइक बॉक्साइट हिमाटाइट मैग्नेटाइट तो ये सारा चीज का तुम्हें केमिकल नेम देख लेना है इस बार का जो कि स्पेसम पेपर है उसमें एमसीक्यू एमसीक्यू uh, में भी एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो यू नीड टू गो थ्रू द केमिकल नेम्स दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर है

और क्यों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है या फिर क्यों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिसाइड्स दिस तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देर इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन इन योर बुक सो गो थ्रू दैट ऑल्सो और यहाँ से इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है जो कि इंपॉर्टेंट है अगर तुम चाहते हो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर तो वो भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अमोनिया चैप्टर अब अमोनिया चैप्टर से तुम्हें क्या क्या करना है अमोनिया चैप्टर से तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अमोनिया चैप्टर से अगेन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट्स देख लेना कि रिएक्शंस में कौन कौन सा रिएक्टेंट्स यूज हो रहा है रिएक्टेंस के साथ साथ यहां पर इंपॉर्टेंट है कलेक्शन कैसे हो रहा है वेदर इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहां पर ड्राइंग एजेंट क्या यूज हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है यू नीड टू सी दी ड्राइंग एजेंट बिकॉज एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग दी ड्राइंग एजेंट नेम द ड्राइंग एजेंट विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसके बाद यहां पर हेबर्स प्रोसेस दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो हेबर्स प्रोसेस देख लेना अमोनिया का प्रिपरेशन में कैसे हेबर्स प्रोसेस व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस तो वो सारा चीज़ तुम्हें देख लेना है उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड चैप्टर से तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट एक्वारेजिया इसका डेफिनेशन देख लेना वॉट इज एक्वारेजिया रेशियो में रहता है तो एक्वारेजिया देख लेना एक बार बुक से उसके बाद प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद नेक्स्ट चीज है सल्फ्यूरिक एसिड अब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि तुम्हारा चैप्टर है सल्फ्यूरिक एसिड से यहां पर तुम्हें कैटलिस्ट देख लेना है कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस उसके बाद ऑब्जर्वेशन तुम्हें यहां से ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाला है तो ऑब्जर्वेशन तुम्हें देख लेना है ऑब्जर्वेशन तुम बुक में देखो तुमने डेफिनेटली बुक में देखा होगा uh, मतलब स्पेसिमिन पेपर में देखा होगा कि वहां पर क्वेश्चन है कि यू नीड टू राइट दी ऑब्जर्वेशन रिएक्शन लिखा है वेन दिस इज रिएक्टेड विद दिस व्हाट इज दी ऑब्जर्वेशन तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है वॉट डू यू ऑब्जर्व सो दिस इज इम्पॉर्टेंट उसके बाद एम सी क्यूज के लिए देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई यू पी एस सी नेमिंग में से क्वेश्चन आ सकता है एम सी क्यूज के लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से मैक्सिमम चीज़ इस बार का सिलेबस के अंदर नहीं है लाइक इस बार का सिलेबस के अंदर एल्कोहल्स भी नहीं है ओ एच ओ एच इज एल्कोहल ओ एच रिमूव हो गया है पूरा पार्ट उसके बाद तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड वो वाला भी पूरा सेक्शन रिमूव हो गया है तो तुम्हें अच्छे तरीके से जो जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो सारा पो, पोर्शन तुम्हें वो सारा टॉपिक्स करना है और यहाँ पर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई अच्छे तरीके से कर लेना है आई नेमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस तुम्हें स्ट्रक्चर्स जो है ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये सारा चीज अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना नोमिनक्लेचर पार्ट दिस इज इम्पॉर्टेंट वॉट इज द आई यू पी एस सी नेम दिया रहेगा अगर एक स्ट्रक्चर दिया उसका आई यू पी एस सी नेमिंग करना है या फिर आई यू पी एस सी नेम दिया तो मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है कार्बन का सो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अच्छे तरीके से देख लेना प्लस एल्किन्स और एल्कीस एलकाइंस ये सब में से कौन सा सब्सिट्यूशन रिएक्शन का होता है कौन सा एडिशन रिएक्शन का होता है वो सारा चीज़ तुम्हें अच्छे तरीके से देख लेना है और यहाँ से चांसेस है कि मत uh, मतलब तुम्हारा जो कि एम आने वाला है वहाँ से डेफिनेटली आई का एक क्वेश्चन रहेगा नॉमेंटलेचर का सो so, तुम्हें गो थ्रू करना है ये वाला भी चैप्टर अच्छे तरीके से सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर कर लेना अच्छे तरीके से तो इस तरह से तुम्हें पूरा सिलेबस मैंने टॉपिक्स डिस्कस किया क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है प्लस तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है मैंने बुक भी रेकमेंड कर दिया यू कैन गो फॉर एजुकार्ड बुक और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ योर सेमेस्टर टू फॉर केमिस्ट्री या फिर और कोई भी डाउट है तो तुम डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ट्वेंटी से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल से सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग